राजधानी में लगातार हो रही घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर एसएसपी कलानिधि नैथानी कमान संभालने के बाद से ही पूरी तरह लामबंद है। इसी कड़ी में कई बार उनके द्वारा देर रात सड़कों पर निकलकर पुलिस की सतर्कता की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि रविवार को एक बार फिर एसएसपी ने देर रात स्वयं रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन व पान दरीवा क्षेत्र के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा किया। इस दौरान उनके साथ एंटी डकैती सेल पुलिस बल व नाका थाना पुलिस बल मौजूद था। ये एक सरप्राइज चेकिंग थी जो यहाँ चारबाग और उसके आसपास का एरिया है, जैसे मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पर है, तो मेट्रो स्टेशन में सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं, आपातकाल स्थिति में क्या होगा, कैसे होगा, तो इसका एक पूरा जायजा लेने के लिए पूरी टीम हम लोगों की यहाँ पे थी। इसमें मेट्रो संबंधित लोग भी यहाँ पर थे, पहले उसका मुआयना किया गया। इसके अलावा जो इसके आसपास जो होटलों वाला क्षेत्र है, इसका प्रोफाइलिंग करने के लिए आदेशित किया गया है कि देख लें कि होटल्स में बाहर जो है वो कैमरे लगे हैं कि नहीं लगे हैं, क्या रजिस्टर बना है, कैसे आईडी रख रहे हैं, कौन नहीं रख रहे हैं, इसको ये करें। और बीट के हिसाब से जैसे इसको रीओरियंट करने के लिए कहा गया है कि कई कुछ दो तीन होटलों का एक बीट बना के उसमें एक बीट कॉन्स्टेबल जरूर लगा दें, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन हो, और जिनके यहाँ कैमरे वगैरह नहीं लगे हैं बाहर की तरफ वहाँ कैमरे वगैरह लगाएं, प्रॉपर चेकिंग हो, नोटिस जारी हों जहाँ पर कमियाँ पाई जाती हैं। कुल मिलाकर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और होटल ये जो हैं ये एक हब होते हैं डकैती से पहले या लूट से पहले अपराधियों के लिए, तो यहाँ विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। जैसा आप देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ पे एसएचओ लोकल जो एसएचओ हैं वो और एंटी डकैती सेल जो हमारा है ये भी यहाँ पर मौजूद है, और कहा गया है कि इसी तरह से चेकिंग वगैरह करें अपराध के दृष्टिकोण से, जिससे लूट डकैती और इस तरह के अपराध पर अंकुश लग सके। गौरतलब है कि एसएसपी कलानिधि नैथानी द्वारा 8 जुलाई 2018 को राजधानी की कमान संभालने के बाद से सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर पूरी तरह से लामबंद है, जिसके चलते उनके द्वारा 13 जुलाई 2018 को एंटी डकैती सेल का गठन किया गया था, जिसमें एक निरीक्षक, 6 आरक्षी की तैनाती की गई थी। आपको बता दें कि एसएसपी द्वारा कमान संभाले जाने के बाद से ही कार्यालय जनपद के कई थानों का औचक निरीक्षण पहले ही किया जा चुका है। इसके बाद उन्होंने रविवार रात को चारबाग और आसपास के इलाकों में औचक निरीक्षण किया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।